हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू हियर इट फ्रॉम नेहा। आज के टूर के लिए हम लोग जा रहे हैं बेलफास्ट। और फर्स्ट थिंग फर्स्ट, क्या आपके पास कार है? नहीं, लाइक मी, मेरे पास भी कार नहीं है। एंड हाँ, लेकिन आपको ट्रैवल करना ज़रूर पसंद है, सो इन दैट केस क्या करना चाहिए? सो that's the reason that I'm traveling with Paddy Wagon Tours. So yeah, with that, let's get started to the video. Guys, so हम लोग city center पहुँच चुके हैं और हमारा stop था Discover Island, जो कि उधर है, और इसके पास हमारा ये बस आ गई है, Paddy Wagon Tours की बस है। And happy journey to us and let's get started with this trip. हे गाइस, सो हम लोग अभी Paddy Wagon Tours से यहाँ मॉनेस्टर बॉयज़ पहुँचे हैं। एंड एज यू कैन सी, बस पीछे खड़ी है। एंड यहाँ का मौसम अभी आज थोड़ा ठंडा है। एंड लेट मी शो यू द व्यू, बहुत प्यारा है। और यहाँ पे एक राउंड टावर है और एक सिमेट्री है बहुत फेमस, सो लेट्स चेक आउट द व्यू। गाइस, सो हम लोग पहुँच चुके हैं बेलफास्ट। एंड अब यहाँ पे हमने यहाँ पे एक टूर लिया, ब्लैक टैक्सी टूर, वो Paddy Wagon Tour के थ्रू है, लेकिन उनके ये टैक्सी टूर के लिए आपको अनदर 20 यूरोस 15 पाउंड पे करना पड़ेगा। एंड देन यू कैन विजिट द हिस्टोरिकल व्यू हियर इन बेलफास्ट। सो आई हैव बुक दैट एंड लेट्स एंजॉय दिस ट्रिप। वी लुक लेफ्ट, वी आर नाउ सिटिंग ऑन द शैंकर रोड, and right across the middle of this street here you will see a set of gates that are open. That's the Falls Road on the other side. This street here used to be Catholic and Protestants living in it, and as you can see there's no more homes. So this is where our division starts. Now, that are in front of us, and that there is the Catholic Falls Road through those gates. So that's part of the division. Okay guys, so ye hai Pride Mall in Belfast, aur aaj hum is pe sign karne ja rahe hain. This is the center of the gates between the Catholic and the Protestant area.
But to the right-hand side, my right-hand side of the taxi, you will see the International Day of Peace. And this is their mural. And this is people that would meet here every year on the 21st of September to try to bring these two communities together. So after knowing the rich history of Belfast, हम लोगों ने जो कि black taxi tour से किया है वो एक घंटे का था and now we are back to the city center. और यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी buildings हैं, काफ़ी पुराने buildings हैं. तो अभी मैं द शेफ शॉप में हूँ और मैंने सोचा कि यहाँ से क्या सुविधा लिया जाए. तो एक एप्रन ले रहे हैं और उस पर बेलफास्ट का लोगो रहेगा. और लेट मी शो यू द व्यू हियर. यहाँ की शॉप बहुत प्यारी लग रही है. और नीचे से मैं ऊपर आई तो पहले ऊपर दिखाते हैं फिर नीचे चलते हैं. बहुत सारे एप्रन यहाँ पर डिज़ाइन हो रहे हैं, इधर लोगो भी बन रहा है. मैं पहली बार ऐसा कुछ देख रही हूँ. का व्यू है एंड दिस वॉज लवली एंड द गाइड वर सो सो हेल्पफुल. सो पेडी वैगन टूर्स के थ्रू हम लोगों ने टाइटैनिक एक्सपीरियंस बेलफास्ट में. और टाइटैनिक एक्चुअली यहाँ पे बिल्ड हुआ था. ये एक्चुअल में वो जगह है जहाँ पे टाइटैनिक बना था एंड दिस इज द टाइटैनिक सेंटर. देखिए ये दिखा रहा है कि कैसे कितना क्या बना था और यहाँ पे लाइन पूरी डेमोन्स्ट्रेट की गई है. एंड देन द सेंटर जो कि मैं उसकी बात कर रही थी वो इधर है. हे गाइस, सो अभी मैं बाहर से वीडियो शूट कर रही हूँ इसलिए क्योंकि अंदर फोटोज़ लेने की ही परमिशन है, वीडियोज़ आर नॉट अलाउड. ओके, सो यहाँ टाइटैनिक सेंटर हम आए थे पैडी वैगन टूर्स के थ्रू. और उनके जो टाइटैनिक सेंटर के जो एंट्रेंस टिकट है वो इंक्लूसिव है पैडी वैगन टूर्स की जो ट्रिप है बेलफास्ट के लिए उसमें ही. तो
या इट वॉज वर्थ द ट्रिप. और यहाँ टाइटैनिक सेंटर में एक डिस्कवरी थिएटर है, शिपयार्ड राइड है, और भी ऐसे मल्टीपल चीज़ें हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है. तो अगर आप बेलफास्ट आ रहे हैं तो ये एक मेजर अट्रैक्शन है यहाँ का, तो आप इसको ज़रूर विज़िट करिएगा. सो गाइज, हम लोग वापस से डबलिन आ चुके हैं, बैक टू डबलिन, और अब यहाँ से घर जा रहे हैं डायरेक्ट, क्योंकि बहुत थकान हो गई है. बट इट वॉज अ लवली ट्रिप और बहुत अच्छा लगा. और अगर आपका भी मन है तो आप भी पैडी वैगन टूर से बेलफास्ट के लिए ट्रिप बुक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा. और या और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, और ऑल्सो शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट. And thanks for watching. Bye.